हेलो जी, राम राम जी। और कैसे हैं आप सब? तो टाइम हो चुका है 11:40 का। तो आज मैंने सोचा क्यों ना अपना रूटीन का व्लॉग ही बना लिया थोड़ा सा, तो आज आपके साथ शेयर करूँगी। और एक तरफ मैंने चढ़ा दिया है दूध और गैस पे, और एक तरफ बनाऊँगी मैं रोटियाँ। और रोटी बनाने के बाद मैंने धोए हैं कपड़े, वॉशिंग मशीन लगा दी थी तो बीच में लाइट चली गई, फिर वो हाथ से ही धोलने पड़े। और आज तो चादर वगैरह भी धोनी थी तो वो भी हाथ से ही धोई ना, तो वो स्पिनर में सूखे और ना धुले, तो फिर हाथ से ही धोलने पड़े मैं। और फिर ऊपर जाके सुखा का ही मैं धूप में, मगर बहुत आज तो बहुत तेज़ धूप थी तो लिया ऊपर ही सुखा दिया कपड़े ने, तो मैं ऊपर धो के कपड़े और ऊपर सुखाया ही थी। लाइट का तो पता ही है, गांव में लाइट कैसी आती है, 1 घंटा 1.5 घंटा आएगी फिर चली जाएगी, फिर आएगी फिर चली जाएगी, पूरा दिन ऐसे ही। मैं ऊपर कपड़े डालने आई तो ये देखो, आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखो, ऊपर एक रूम बना रखा है, उसमें प्याज डाल रखी है। प्याज उगाते हैं ये मेरे घर वाले, तो इन्होंने ढेर सारी प्याज डाल रखी है कि कोई ख़राब ना हो, और ऊपर हवा भी लगती रहे, इनमें हवा ज़रूरी है। और एक तरफ ये डाल रखे हैं कट्टों में भर भर के लहसुन। और मेरे घर वाले प्लेज वगैरह भी करते हैं, थोड़ी बहुत कर लेते हैं। कपड़े सुखा के फिर नीचे आके एक बड़ा रूम कमरा है, उसमें चादर वगैरह झड़का के और बिछाई बेड पे की भी चादर सही से करी, और चारपाई की भी चादर से भी सही से बिछा के फिर सोचा लो पोछा ही लगा लूँ। ज़्यादा कुछ बात करनी तो आती ना मैंने आपकी, कैसे यूट्यूब पे वालों कैसे क्या बातें करनी है आप, लेकिन अपना जो काम करती हैं उसका ब्लॉग तो मैंने डाल ही दिया। किसी ने मेरे को वो मेरे तक कही थी कि आप जो काम करो सो उसका ब्लॉग बना कर डाल दिया करो, जो भी कुछ कराया करो। तो उसी बस ऐसे ही पर मैंने आज सोचा कि जो काम करूँ वो कर डाल दूँ। अगर आप सबने वीडियो मेरी अच्छी लगे तो
लाइक शेयर कर दी और थोड़ा मेरा भी हौसला बढ़ जाएगा उस पर, और सब्सक्राइब भी कर दियो। आप सब तैयार हुआ है जो आगे का जो भी काम करूं उसका व्लॉग बनाकर डाल दूं मैं, फिर आपका